देश की 28% पॉपुलेशन किराए पर रहती है, फिर चाहे वो कई लोग पीजी में रह रहे हों या फिर अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में किराए पर रह रहे हों। किराएदार को तो किराया हर बार हर महीने देना ही है, लेकिन लॉकडाउन आया और मजबूरी ऐसी बन गई कि कई किराएदार अपने घर का किराया मकान मालिक को नहीं दे पाए। ऐसे में मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक रंजिश भी देखने को मिली। कहीं पर कई खबरें आई जहां पर FIR तक दर्ज हुई। आज के शो में बात करेंगे कि आखिरकार लीगल रेमेडीज क्या हैं, अगर आप टेनेंट हैं या फिर अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो आपको क्या करना है ताकि आपको अपने किराएदार से ज्यादा दिक्कतें ना झेलनी पड़े। 3 दिन में किराए का मकान खाली करने की खबर, लॉकडाउन में किराए मांगने पर मकान मालिकों पर दर्ज हुई FIR, लॉकडाउन में किराए के लिए परेशान करने पर की आत्महत्या, मकान मालिक पर केस दर्ज। ऐसी खबरें देश के अलग अलग शहरों से सुनने और देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना फंसे इसीलिए इसके रास्ते जानना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार COVID-19 सिचुएशन में लॉस क्या कहते हैं और लैंडलॉर्ड या टेनेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। To regulate tenancy, the same laws are applied whether we live in COVID-19 times or not. लेकिन हर शहर में टेनेंसी के अपने लॉज भी हैं। दिल्ली में दिल्ली रेंट एक्ट, यूपी में अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग एविक्शन एंड रेंट एक्ट, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रेंट एक्ट, इन हरियाणा अर्बन रेंट एक्ट सक्रिय हैं। हर स्टेट में कुछ लॉस कॉमन भी हैं, जैसे इफ टेनेंट डजंट पे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स देन आफ्टर 3 मंथ्स लैंडलॉर्ड कैन गिव अ नोटिस एंड टर्मिनेट द टेनेंसी। और COVID-19 में भी ऐसे लॉज अप्लाई होते हैं। हर स्टेट का जो कॉमन इशू है या कॉमन जो लॉ का सिस्टम है वो ये है कि कुछ दिनों तक अगर टेनेंट रेंट नहीं पे करता, आमतौर पर 3 महीने तक, तो 3 महीने के बाद लैंडलॉर्ड उनको नोटिस दे करके टेनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है और उसके बाद रेंट कोर्ट में जा करके टेनेंट को एविक्शन के साथ जो पिछले 3 महीने का रेंट है वो रेंट मांगेगा और केस डालने के बाद से लेकर के जब तक कि वो ऑक्यूपेशन में है उस प्रॉपर्टी के तक के रेंट को एज अ डैमेजेस क्लेम करेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या टेनेंट के पास राइट है COVID-19 सिचुएशन में रेंट ना पे करने का। अगर लॉ के हिसाब से देखें और हाल ही में आई जजमेंट के हिसाब से देखें तो लॉ डजंट एक्सेप्ट इफ यू आर नॉट एबल टू पे द रेंट, तो लॉ और रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से टेनेंट को रेंट पे करना मैंडेटरी है। लेकिन टेनेंट को COVID-19 की सिचुएशन में रेंट डेफर करने के लिए लैंडलॉर्ड से समय मांग सकता है। इसके अलावा लॉफुली अगर टेनेंट्स को कंपनी से सैलरी मिल रही है तो टेनेंट लैंडलॉर्ड का रेंट रोक नहीं सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर टेनेंट रेंट नहीं पे कर सकता है तो उसके पास 2 से 3 ऑप्शन मौजूद हैं। देखिए, अगर टेनेंट रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं तो उनके पास 2-3 ऑप्शन हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं कि एक तो उनकी जो अभी हाल हर एक टेनेंट का 2 महीना या 3 महीना कुछ एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होता है, उसके थ्रू उसको एडजस्ट करा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो उनके बीच में लीज एग्रीमेंट है फॉर 11 मंथ्स या जो भी पीरियड है, उसके हिसाब से आप उसमें एडेंडम करने की बात करें, मतलब कि नई शर्तों के साथ अपनी टेनेंसी को कंटिन्यू करें, मे बी एट अ डिक्रीज रेंट या फिर जैसे भी आपका एक म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है। बट सो फार एज दिस इशू इज कंसर्न कि आप कंप्लीट रेंट का वेवर चाहते हैं तो वो दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द लैंडलॉर्ड। सो फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ फेवर्स द लैंडलॉर्ड व्हेन इट कम्स टू द पेमेंट ऑफ रेंट। इन दिनों लैंडलॉर्ड के बीच में एक मुद्दा ये भी बना हुआ है कि ऐसे लैंडलॉर्ड्स जिनकी इनकम सोर्स सिर्फ रेंटेड एकोमोडेशन से है, ऐसे में अगर टेनेंट इज नॉट पेइंग द रेंट तो वो क्या कर सकते हैं। एडवोकेट्स के हिसाब से ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड्स टेनेंट को नोटिस दे सकते हैं और कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। साथ ही कई लीगल रेमेडीज भी मौजूद हैं, क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से टेनेंसी इज गोइंग थ्रू अ लीज एग्रीमेंट, तो ऐसे में रेंट देना और प्रॉपर्टी की देखरेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट पर आती है। लेकिन करंट पेंडेमिक सिचुएशन में क्योंकि लायबिलिटी टेनेंट की बनती है एज पर द इंडियन लॉ, तो टेनेंट कैन सॉल्व द इशू विद द लैंडलॉर्ड थ्रू अ मीडिएशन और म्यूचुअल एग्रीमेंट। और COVID-19 में अगर रेंट एग्रीमेंट लैप्स या रिन्यूअल के लिए भी रुके हुए हैं तो म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड दे कैन रीनेगोशिएट द रेंट और लीज।
एग्रीमेंट विद द न्यू टर्म्स और बाय द न्यू रेंट अमाउंट किए जा सकते हैं, क्योंकि रोल ऑफ द रेंट एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में टेनेंट या लैंडलॉर्ड रेंट एग्रीमेंट के दायरे में ही बंद जाते हैं। रेंट ना पे करने की सिचुएशंस कुछ एग्रीमेंट्स जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें होते हैं कि आप पहले से एक पैनल क्लॉज लगा करके चलते हैं विद पैनल इंटरेस्ट 10% 7% जैसा भी अलग अलग एग्रीमेंट में होगा। और लॉन्ग टर्म अगर लीज एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसमें फोर्स मेजर क्लॉज होते हैं, लेकिन उसमें इशू ये आता है कि अगर आप फोर्स मेजर इन्वोक करते हैं तो आप एक तरीके से एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि आप अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो भी लैंड टेनेंट्स हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांस में जो एग्रीमेंट है अगर उसमें फोर्स मेजर क्लॉज है तो आप उसका अगर इन्वोकेशन करते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपकी जो टेनेंसी है वो भी टर्मिनेट होगी। तो जो बेस्ट वे है वो वही है कि आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू आप अपने जो टेनेंसी के टर्म्स हैं जो आपका रेंट है उसको आप म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करें, मे बी फॉर 3 months मे बी फॉर 6 months, और उसके हिसाब से जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी उसके साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। एक और सवाल बना हुआ है कि लीगल रेमेडीज इन फेवर ऑफ टेनेंट और लैंडलॉर्ड, चलिए समझते हैं। देखिए लीगल रेमेडी जो अवेलेबल होती है किसी भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट के लिए वो बाय वे ऑफ सिविल सूट है या फिर बाय वे ऑफ अ रेंट पिटीशन होती है अलग अलग कोर्ट्स में एज पर द रेंट एक्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। अगर कोई टेनेंट है उसने कुछ महीनों से रेंट नहीं दिया हुआ है और उनके पास एविक्शन का नोटिस आता है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो कोर्ट जा सकते हैं, पर कोर्ट में जा करके जब भी वो पिटीशन फाइल करेंगे अगेंस्ट द एविक्शन नोटिस तो उनको पिछले मंथ का फुल रेंट देना पड़ेगा या टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट कुछ पोर्शन ऑफ रेंट देना पड़ेगा। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कोर्ट की विल पर कि वो आपसे कितना रेंट जमा करा करके आपको कितने दिन रहने के लिए अलाउ कर सकते हैं। लॉकडाउन में किराएदार को किराया देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मकान मालिक चाहे तो किराएदार के किराए में छूट अपनी मर्जी से दे सकता है, लेकिन उसे बाउंड नहीं किया जा सकता है। ऐसे में दोनों के लिए म्यूचुअली एक रास्ता निकालना ही सबसे बेहतर रहेगा। इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। प्लीज सब्सक्राइब टू मैजिक ब्रिक्स ऑन YouTube एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोज़।